नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण तथा बागवानी मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दिया जाए और किसानों के उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग तथा ब्रांडिंग सीधे सीधे बाजार में बेचे जाए, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा को कृषि प्रधान राज्य के साथ साथ बागवानी की दिशा में भी आगे बढ़ाना होगा और इसके लिए गांव ग्रामीण स्तर पर या क्लस्टर तैयार करके ऐसे FPO बनाए जाएं जो किसानों के उत्पादों की प्रोसेसिंग करें, उनकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग भी करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा के साथ लगता हुआ दिल्ली का बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है, जिसमें किसानों के उत्पाद बाज़ार भाव पर बिकेंगे तो किसान भी आमदनी अवश्य पैदा करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जहां पर पानी की कमी है, वह रेतीली ज़मीन है, वहां पर उस मौसम के अनुसार उगने वाली कोई भी विशेष सब्जी या फूलों तथा फलों की खेती के बारे में रिसर्च की जाए। बैठक में बागवानी विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सैनी ने बताया कि 2014 में राज्य में बागवानी क्षेत्र 4.39 लाख हेक्टेयर तथा वर्ष 2019 में 5.54 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 5.26 लाख हेक्टेयर पूर्ण हो गया है, जो 7.98% है। उन्होंने बताया कि 2030 तक बागवानी क्षेत्र में 10% तक ले जाने का लक्ष्य है। लगभग 1700 गांव में बागवानी का कार्य इस समय हो रहा है। बैठक में बताया गया कि बागवानी विभाग के अंतर्गत प्रदेश में 10 उत्कृष्टता केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिनमें मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा सब्जियों व फलों की नई किस्में तैयार करना शामिल है। वहीं बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 6 स्थानों पर प्रशिक्षण संस्थान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न कोर्स चलाए जा रहे हैं तथा इन संस्थानों के माध्यम से किसानों को सब्जियों व फलों की नई किस्मों, बीजों, फलों के रखरखाव और नई तकनीकों की जानकारियां दी जा रही है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट।